चंडीगढ़ के सेक्टर 53-54 पर स्थित फर्नीचर मार्केट में आग लगी। यह दुखद हादसा दोपहर के वक्त हुआ। आग के कारणों का सही दिशा में पता नहीं चल पाया, लेकिन प्राथमिक जांच और जिस तरह से आग को बुझाने की कवायद शुरू हुई उसे देखकर लग सकता है कि शायद शॉर्ट सर्किट हुआ हो। लेकिन दिन के समय पर शॉर्ट सर्किट के बाद इतनी भयानक आग लगना को जायज नहीं ठहराया जा सकता, ऐसे कई सवाल हैं। लेकिन कुल मिलाकर कहा जाता है कि बुधवार को दोपहर के करीब 12 या फिर 2 बजे के आसपास यह हादसा हुआ, यानी कि यह आग सुलगनी शुरू हुई तकरीबन 12 या 1 बजे के आसपास, जो 5 बजे के आसपास पूरी तरह से भभक गई। यहाँ पर मोहाली चंडीगढ़ के फायर ब्रिगेड की कई एक के बाद एक गाड़ियाँ पहुँची आग बुझाने के लिए, काफ़ी मशक्कत करती हुई गाड़ियाँ नजर आई। पुलिस ने भी अपना मोर्चा यहाँ पर संभाला, बैरिकेडिंग की और सारे ट्रैफिक को डाइवर्ट किया ताकि इस हादसे पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके। इसके बाद एक एक कर धू धू करती हुई यहाँ पर दुकानें जलती हुई नजर आई। फर्नीचर मार्केट में आग की लपटें इतनी ऊपर तक थी जो दूर से ही दिखाई दे रही थी। इस आग के कारण धुआं चारों तरफ फैल गया था, काली घटा छा गई थी, चारों तरफ धुआं ही धुआं नजर आ रहा था। और यहाँ पर जो दुकानें हैं उनके जो मालिक हैं या फिर जो कामगार हैं, जो कारीगर हैं, उनकी पहली प्राथमिकता ये रही कि किसी तरह से दुकानों के सामान को बचाया जा सके। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला, यहाँ के दुकानदारों को, कामगारों को, कारीगरों को समझाने का पूरा प्रयास किया कि कोई भी रिस्क ना लिया जाए, पहले आग पर काबू पाया जाए, उसके बाद ही स्थिति को समझा जाएगा, देखा जाएगा। जानी नुकसान होने का समाचार फिलहाल नहीं था, क्योंकि आग पर काबू पाने को पहले प्राथमिकता दी जा रही थी, उसके बाद सही स्थिति का जायजा आग पर काबू पाने के बाद ही लग पाएगा। यहाँ पर कितने का नुकसान हुआ, कितने लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ, उसका अंदाजा भी आग पर काबू पाने के बाद ही, जाँच के बाद चल पाएगा।